हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ नेहरू प्लेस ऋषि पाल भैया की शॉप पे, और इनके शॉप का नाम है इफको किसान संचार लिमिटेड। और ये शॉप स्थित है नेहरू प्लेस में, मेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इन भैया की शॉप है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इनका कार्ड भी इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी। और अब मैं शॉप के अंदर चल के दिखाती हूँ कि इन भैया के पास क्या क्या प्लांट्स हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स दिख रहे हैं, इनडोर आउटडोर प्लांट्स हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में कवर करके आप लोग को दिखाती हूँ। जिन भी लोगों को परचेस करना हो प्लांट्स, इंडोर प्लांट या आउटडोर प्लांट, वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेरेमिक की भी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉट हैं अलग अलग तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के, आकर्षक वाले जो आप अपने टेबल पे, गार्डन में होम डेकोर के लिए लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। प्लांट से रिलेटेड जानकारी के लिए या गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। ऋषि पाल भैया की शॉप पे बहुत अच्छे कलेक्शन हैं प्लांट्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास कैक्टस की बहुत सारी वैरायटी में प्लांट्स हैं जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है। कोई प्लांट्स मतलब कैक्टस की ही 250 में है, 230 का है, 150 का है, 240 का है, बस इसी रेंज के ही प्लांट्स हैं। और ये सेरेमिक के देख सकते हैं, एकदम मतलब एंटीक एंटीक सेरेमिक के ये रखे हैं जो इंडोर प्लांट्स के लिए है। इन भैया के पास अजवाइन का भी पौधा है जो खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना मसाले के रूप में, अजवाइन वो भी है। और ये अजवाइन मैंने मेरे घर पे भी बिठाया है, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है कि मतलब हर 2 महीने में पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ता है, क्योंकि बहुत अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं, जब ज़मीन में लगा देते हैं हम अजवाइन का पौधा, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और यहाँ देख सकते हैं आपकी ये मनी प्लांट्स की वैरायटी हैं, बहुत सारी वैरायटी में मनी प्लांट्स के पौधे हैं यहाँ पर। और ये भी कुछ इंडोर आउटडोर प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट्स आप जब भी घर में लगाएं तो उसका पानी रेगुलर चेंज करते रहें, खारा पानी इंडोर प्लांट में नहीं डालना है, प्लांट्स उससे बहुत ख़राब हो जाते हैं। पानी का पीएच मान चेक करके ही डाला करें जब भी इंडोर प्लांट्स आप बैठाएं, घर में लगाएं कहीं पे भी, तो ये सब ध्यान देना होता है पौधों के लिए, नहीं तो पौधे ख़राब होने लग जाते हैं। इन भैया के पास रबड़ के भी पेड़ हैं, डहेलिया भी है, नागफनी भी था, और एलोवेरा की 3-4 वैरायटी थी अलग अलग। मतलब देख सकते हैं, मैं अभी नाम लेके तो मैं बताने लगूँ तो बहुत सारे पौधों का पूरा वीडियो निकल जाएगा नाम लेते लेते ही, बट मैं वीडियोज़ में दिखा रही हूँ कि कितने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, जब भी आपको लेना हो यहाँ से प्लांट्स तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और मैं कार्ड भी इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूं, तो आप वहां से देख के जाके परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, महंगा रेट तो बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली जैसे सिटी में। यही है ऋषि पाल भैया जिनकी ये शॉप है, और ये कार्ड है इनके इस शॉप का, तो आप लोग को जब भी परचेज करना हो इस कार्ड पे लिखे एड्रेस पे यहाँ आके परचेज कर सकते हैं, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वैसे भी यहाँ पे जा सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे हैं इंडोर आउटडोर प्लांट्स के। वो ग्रीन डाइट में ले गया था, कौन सा वाला? वो ग्रीन डाइट पौधों के इंडोर प्लांट्स पे स्प्रे करने से, अच्छा अच्छा, उनके पत्तों पे आप स्प्रे करते हो, समझिए प्रोटीन है पौधों के लिए। जो विक्रांत चौहान है इफको में, यहाँ भी आते हैं अपने, वहाँ इफको चौक गुड़गांव पे भी वो जो है वहाँ पे भी, तो उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। मेरा भी बागवानी नाम से अपना एक चैनल है, अच्छा। और इसी के माध्यम से हम लोग प्लांट्स भी सेल करते हैं इंडोर आउटडोर दोनों, तो उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए मैंने बात करी थी कि इफको के साथ कोलैबोरेट करके और जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं हम लोग अलग अलग एरिया में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। ये पौधा चूहा क्या देख के खाता है भैया? हाँ लगता तो ऐसा एलोवेरा जैसा ही है, अजवाइन का पौधा जो भी तो खूब होता है, एक बार बिठा दो तो इतना ज्यादा होता है कि उखाड़ उखाड़ के मेरे घर पे तो फेंकना पड़ता है इसको बहुत। ये ना कलर, हाँ इसका रंग ना लाइट के हिसाब से, ये भी तो वही है काफी ज्यादा अच्छा, अगर धूप में रखते हैं तो पीला होने लगता है।
ये वाला ना हाँ ऐसा वाला ये तो देखो ये है मेरे पास उसे बचपन से है मेरे घर पे पर ये वाला मेरे यहाँ दूसरे टाइप का है एक पतला होता है इससे ना ये पूरा गोलाई में मोटा जा रहा हाँ ये वाला भी है बड़ा सा बड़ा ये बहुत बड़ा बड़ा होता है वही चीज है पर रिकमेंडेड टॉप एयर प्यूरिफायर में से आता है कौन सा इसके बारे में जब आप ऑडियो डालना हाँ हाँ तो अलग से डिफाइन कर सकते हो टॉप 10 एयर प्यूरिफायर में से ये आता है अच्छा। इसके अलावा जो वो फार्म लगा हुआ है बाहर वो हाँ हाँ अरेका फार्म मनी प्लांट हाँ मनी प्लांट की तो वैरायटी है यहाँ पे इधर वाली कई सारी हाँ रबर प्लांट मैंने बैठाया है घर पे मेरे है यही तो है ना बड़ा सा और ये वाले भी ये वाले भी हैं मेरे मेरे घर पे और ये कौन सा ये नाम क्या है भैया इस प्लांट का कामिनी अच्छा अच्छा ये सुंदर दिख रहा है ये भी मेरे घर पे मैंने बिठाया है ये भी अधिकतर चीजें यहाँ के मेरे घर पे है हम लोग मुझे और नीस को दोनों को गार्डनिंग का बहुत शौक है तो हम दोनों को जैसे ही मौका तो मिलता है अच्छा पॉइंट तुम्हें दिखा दिया हम जब भी आए हो नीस तो उसको ले आना ही था यहाँ पर हमारे यहाँ से लेके मेरे घर जाना बड़ी बात हो जाएगी ना यूपी में दिल्ली में जो रहते हैं उनके लिए अच्छा है कम दूरी में खरीद के घर पे लगाना ज्यादा दूरी के लिए दिक्कत हो जाता है ले जाना मस्ती गोरखपुर हम भी यूपी से हैं हम दादरी